Today we are going to discuss about the levels of biodiversity. Yesterday we have discussed about the introduction of the biodiversity, what is the biodiversity and what are the various definitions and various parameters when we study the biodiversity. Besides that, we discussed about the significance, why we study, what is the need of studying the biodiversity. Later on, we discussed about the gradations of biodiversity, like alpha, beta, and gamma diversity. But today we are going to discuss about the levels of biodiversity. Levels means at what level we are studying the biodiversity. Like, if you have to describe any species, like humans, we go from the species level, genera, like koi bhi organism jo bana hota hai, it is made up of DNA that is in the nucleus of the cells. So ek basic unit of life hum mante ek cell hoti hai, then cell se tissues bante hain, tissues se organs, and later on organ systems, various systems hote hain, then un organ system se individual banta hai. To wo individual ek characteristic hota hai ek particular species ka. एक स्पीशीज होती है कोई भी एक पॉपुलेशन हु आर सिमिलर एट पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया दैट आर सिमिलर टू ईच अदर एंड दे आर कैपेबल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेकिंग फॉर प्रोड्यूसिंग देयर ऑफस्प्रिंग्स फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स तो उनको स्पीशीज कहते हैं. तो ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो सेल है ये बेसिकली बनी होती है एक डिफरेंट ऑर्गेनिल्स जो होते हैं अंदर, जैसे न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेल जो प्लांट सेल होती है एंड एनिमल सेल, दे आर टोटली डिफरेंट. बट इन न्यूक्लियस देयर इज अ जेनेटिक कोड दैट वी कॉल डीएनए. हर किसी ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट डीएनए होता है. तो ये हम जब लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम दिस जेनेटिक कोड अप टू स्पीशीज, देन अप टू द कम्युनिटी लेवल. कि एक कम्युनिटी होती है बहुत सारी स्पीशीज की, कुछ पॉपुलेशंस एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाइमेट में, वहाँ पे जहाँ पे वो एग्जिस्ट करती है उसको कम्युनिटी बोलते हैं. एंड देन इकोसिस्टम आप जानते ही हैं, देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम्स, दे आर सेल्फ सस्टेनिंग, लाइक दे हैव डिफरेंट ट्रॉपिक स्ट्रक्चर, दे हैव वन वे path for the energy transformation from producers to top carnivores. Later on, they give cyclic biogeochemical cycles. In sari stages pe, jab hum biodiversity ko study karte hain, they generally give us three levels on which we can study the biodiversity. First is genetic diversity, then species diversity, and last one is community or ecosystem diversity. So, कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी यहाँ पे हम सिनोनिमसली यूज़ करते हैं. तो अगर आप फिगर में भी देख रहे हैं तो जेनेटिक डाइवर्सिटी इज़ बेसिकली किसी भी इंडिविजुअल में कितनी जेनेटिक वेरिएशंस है, देन इंट्रा स्पेसिफिक. दिस इंट्रा स्पेसिफिक इज टोटली डिफरेंट विद इंटर स्पेसिफिक. इंटर मीन्स बिटवीन, लाइक इंटरनेशनल मीन्स बिटवीन टू नेशंस. Intranation means within the nation or within the species. यहाँ पे हम intra use कर रहे word, that is in between the species. तो ये in between the species हम जब diversity होती है basically एक ही species में, हम अगर humans की बात करते हैं तो यहाँ पे it is very much similar. एक perfect example है humans intra specific diversity में, like एशियंस अलग होते हैं आर्यन रेस के, देन मंगोलियंस अलग होते हैं, ऑस्ट्रेलियंस अलग होते हैं, यूरोपियंस अलग होते हैं, अमेरिकन्स अलग होते हैं, रेड इंडीज अलग होते हैं, वेस्ट इंडीज, जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे भी जो लोग होते हैं वो डिफरेंट. मीन्स वी कैन सी देयर इज एन इंट्रा स्पेसिफिक डाइवर्सिटी बिटवीन इन विद इन द स्पीशीज, बट देयर इज सम डिफरेंट, बट दे आर they can interbreed with each other to produce fertile offspring. Species ka wahi hota hai ek definition.
जॉन रे ने दिया था स्पीशीज कंसेप्ट। देन ये भी किसी पर्टिकुलर लोकेशन में, चाहे वो स्पीशीज, नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी होंगी, देन उसमें बेसिकली कंसेप्ट आता है स्पीशीज रिचनेस एंड स्पीशीज इवननेस, वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। एंड एट बिगर लेवल एंड लार्जर लेवल, जब हम एक पूरा इकोसिस्टम लेवल पे हम डाइवर्सिटी को जब हम स्टडी करते हैं, दैट इज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, जब वहाँ पे पूरा हम उनका, जैसे ग्रासलैंड एक इकोसिस्टम है, उसकी डाइवर्सिटी हम स्टडी करेंगे, दैट विल बी द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। और इनके अलावा एक और डाइवर्सिटी है, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल डाइवर्सिटी। ये बेसिकली हर किसी जो लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। इट इज बेसिकली डिफरेंट एक्टिविटीज होती है, सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फर्टिलिटी, फोटोसिंथेसिस, लाइक डिग्रेडेशन ऑफ पोल्यूशन पाथवेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनकी फंक्शनलिटी क्या होगी एक इकोसिस्टम में, तो उसको हम फंक्शनल डाइवर्सिटी बोल। ये ज़्यादा हम टच नहीं करेंगे बिकॉज इट गेट्स टू डीप इन टू द इकोलॉजी सब्जेक्ट। आपको यहाँ पे एक जनरल आउटलाइन ही नहीं है, व्हाट आर द लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देन फर्स्ट वी विल बी डिस्कस अबाउट द जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, जैसे मैंने कहा है कि हम इंडिविजुअल्स, कोई भी एक पर्टिकुलर सेल की अगर हम बात करेंगे, एक ऑर्गेनिज्म में, जैसे ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, उस क्रोमोसोम्स में वो पूरे है जेनेटिक कोड होता है हर किसी ऑर्गेनिज्म का। मैं हूँ, मेरी फैमिली का जो जेनेटिक कोड है डिफरेंट होगा मोर और लेस, हमारा जो मेरे पेरेंट्स के साथ जो जेनेटिक कोड होगा वो थोड़ा सा सिमिलर होगा, जिसको हम जो है हमारा कोई किसी भी इंडिविजुअल का जो जेनेटिक कोड आता है, हाफ कम्स फ्रॉम द फादर, हाफ कम्स फ्रॉम द मदर। तो उसको फिर वो कैसे जो है व्हेन मियोसिस होता है ड्यूरिंग जो फर्टिलाइजेशन होती है, तो उस टाइम कैसे जेनेटिक कोड बनता है, तो उस पे डिपेंड करता है। तो कहने का ये गर्ज है, किसी भी स्पीशीज में जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें जेनेटिक वेरिएशंस होती है, मीन्स कि उनका जेनेटिक कोड अलग अलग होता है, तभी जितने भी इंसान हैं दुनिया में इनकी शक्लें अलग अलग हैं। मीन्स जितने भी इंसान हैं उनकी शक्लें अलग अलग है और उनका जेनेटिक कोड डिफरेंट होता है। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स है, ये टोटली डिफरेंट होते हैं, वैसे ही जेनेटिक कोड भी डिफरेंट होता है। तो ये जब हम जेनेटिक डाइवर्सिटी देखते हैं, ये देखते हैं विद इन द स्पीशीज, एक स्पीशीज में, या कोई भी एक सिलेक्ट करते हैं कोई भी स्पीशीज, उसमें हम जेनेटिक कोड देखते हैं उसमें क्या वेरिएशंस है। अब जैसे कोई भी राइस प्लांट है, या उसको हम उसकी डिफरेंट वैरायटीज होती है, तो एक वैरायटी में जैसे डिजीज रेजिस्टेंट होती है एक वैरायटी, दूसरी वैरायटी ज़्यादा प्रोडक्शन देती है, तो वो हम आगे जाके एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। बट यहाँ पे, तो यहाँ पे एक फिगर है, यहाँ पे जो डाइवर्सिटी ऑफ जीन्स, कितनी जो जीन्स की डाइवर्सिटी होगी, तो वो देता है हमें क्या जेनेटिक मेकअप, जो हमारी जो हमारा जेनेटिक कोड होता है, वो फिर जो हमारा पूरा मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी है वो डिसाइड करता है हम कैसे होंगे, हमारा कलर कैसा होगा, हेयर कलर कैसा होगा, आई कलर कैसा होगा, टॉल शॉर्ट जो भी हैंड्स वगैरह कैसे होंगे, वो फिर पूरी मॉर्फोलॉजी पूरी जो आती है दैट कम्स फ्रॉम द जेनेटिक कोड। तो जैसे राइस प्लांट है जिसको ओराइजा सटावा भी कहते हैं, वैसे ही इटैलिक्स में होना चाहिए, यानी यहाँ पे स्पेस भी है, तो इसमें थाउजेंड्स ऑफ वराइटीज़ है राइस में, इसमें वाइल्ड रिलेटिव्स भी है इसके, डिपेंडिंग अपॉन कोई शॉर्ट वराइटी है, कोई टॉल वराइटी है, ये एक ही स्पीशीज, बट देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वराइटीज़। वराइटीज़ मीन्स जो उसमें जेनेटिक कोड एक पर्टिकुलर पैरामीटर को एनहेंस करने के लिए हमने उसको यूज़ किया, फॉर एग्जाम्पल हाई प्रोडक्शन के लिए, जो हाई यील्डिंग वराइटीज़ होती है, जो ज़्यादा प्रोडक्शन देता है, जो डिजीज रेजिस्टेंस होते हैं। वैसे ही जैसे एक एग्जांपल है टीक वुड, तो इसकी भी बहुत सारी वैरायटीज़ है, जैसे इंडियन टीक, बर्मा टीक, मलेशियन टीक, वैसे जैसे ह्यूमंस होते हैं इनका भी है जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होता है, बट दे आर विद इन द सेम स्पीशीज। तो अब जेनेटिक
डाइवर्सिटी का क्या फायदा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। जितनी भी किसी भी स्पीशीज में जेनेटिक डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, दैट स्पीशीज विल बी मोर स्टेबल, मोर रेजिलियंट, मोर रेजिस्टेंट टू द सर्टन जो फिजिकल और एनवायरमेंटल जो हार्श कंडीशंस है उसके रिलेटेड वो ज़्यादा रेजिलियंट होगी। फॉर एग्जांपल हम राइस की बात करते हैं, राइस में एक वैरायटी है वो ज़्यादा प्रोडक्शन देती है, बट देयर आर सम वैरायटीज वो कम प्रोडक्शन देती है बट दे आर रेजिस्टेंट टू द सर्टेन डिजीज। तो वहाँ से हम जेनेटिक कोड निकाल सकते हैं, देन वी कैन मेक न्यू वैरायटी। वैसे ही ह्यूमंस, कोई टॉल है, अफ्रीकन है, दे आर हैविंग डिफरेंट जेनेटिक मेकअप, वो डिफरेंट क्लाइमेट में रहते हैं, तो वो इन फ्यूचर कोई भी डिजीज़ अगर किसी और कॉन्टिनेंट में किसी भी ह्यूमन कम्युनिटी को लग जाती है, वी कैन गेट द जो हमारा जेनेटिक कोड है उस डिजीज़ से रेजिस्टेंट है, वहाँ से निकाल सकते हैं। मीन्स कि जिस भी डिजीज़ में ज़्यादा, जिस भी सॉरी जिस भी स्पीशीज़ में ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी, दैट स्पीशीज़ विल बी मोर अडेप्ट टू सर्टन एनी एनवायरनमेंट, और उसमें उसमें जो है स्टेबिलिटी उस स्पीशीज में ज़्यादा होगी। कोई भी एज अ अनटोवर्ड कंडीशंस होगी तो उसमें वो एग्जिस्ट कर सकता है, सस्टेन कर सकता है। देन इस स्पीशीज डाइवर्सिटी, पहले हम स्पीशीज समझते हैं कि स्पीशीज़ क्या होती है। जैसे इससे पहले भी मैंने आपको एक बताया था कि स्पीशीज़ वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर लुकिंग अलाइक एट किसी भी जोग्राफिकल एरिया में प्रेजेंट होते हैं एट पर्टिकुलर टाइम, जो आपस में इंटरब्रीड करते हैं, दे प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, मतलब वो भी आगे जो है बच्चे पैदा कर सकते हैं, तो उनका जो है उनको स्पीशीज़ कहते हैं। तो स्पीशीज़ जो है कैसे डेवलप होता है, एक स्पीशीज से दो स्पीशीज़ बन सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि उनमें जो है ज्योग्राफिकल बैरियर्स हो सकते हैं या कोई अदर जो फिजिकल रेजिस्टेंस हो सकती है, जिसकी वजह से वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपस में दूर रहते हैं, देन दे इवॉल्व डिफरेंटली एंड डेवलप न्यू स्पीशीज़। जैसे हॉर्स एंड डंकी किसी भी ज़माने में, आगे मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, जब भी वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले थे, वो हो सकता है एक ही स्पीशीज़ थी, बट ड्यू टू सर्टन कंडीशंस वो डिफरेंट स्पीशीज़ इवॉल्व हो गई। तो जो स्पीशीज़ है अब किसी भी लोकेशन में, अब इससे पहले भी मैंने बताया, जैसे ट्रॉपिकल कंडीशंस होंगी या टेम्परेट कंडीशंस होंगी, ये दो क्लाइमेटिक जो एरियाज़ है, कल भी मैंने बताया जैसे कश्मीर है, इसमें टेम्परेचर -1 -11 टू 35 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करता है। मीन्स इस टेम्परेचर रेंज में जो स्पीशीज़ है वो कम एग्जिस्ट करेगी, लेस नंबर ऑफ स्पीशीज विल बी रेजिस्टेंट टू दिस टेम्परेचर वेरिएशन। मीन्स यहाँ पे स्पीशीज डाइवर्सिटी कम होगी, एक क्लाइमेटिक फैक्टर है यहाँ पे जिसकी वजह से स्पीशीज डाइवर्सिटी कम होगी। उसके अलावा यहाँ पे नंबर ऑफ सनी डेज कम होते हैं एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल, देन द प्राइमरी प्रोडक्शन इज लेस, दैट ऑल्सो डिसाइड्स द नंबर ऑफ स्पीशीज, क्योंकि जब प्राइमरी प्रोडक्शन कम होगी नंबर ऑफ स्पीशीज ऑब्वियसली कम होगी, तो यहाँ पे स्पीशीज डाइवर्सिटी कम है टेम्परेट में एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंडीशंस, जहाँ पे नंबर ऑफ सनशाइन आवर्स सनशाइन डेज ज़्यादा होती है, रेनफॉल ज़्यादा होती है एंड टेम्परेचर वेरिएशन बहुत कम होती है, वहाँ पे स्पीशीज़ की जो डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा होती है। अब स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी। किसी भी इकोसिस्टम को सेल्फ सस्टेन करने के लिए अगर कोई भी स्पीशीज़ वाइप आउट हो गई बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस, चाहे वो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हो चाहे वो नेचुरल फैक्टर्स हो, तो अगर उस इकोसिस्टम में स्पीशीज नंबर ऑफ स्पीशीज ज़्यादा होंगी हु प्ले अ फंक्शनल रोल इन इकोसिस्टम, तो एक स्पीशीज अगर निकलेगी भी स्टिल द इकोसिस्टम विल बी द सेल्फ सस्टेन। तो वैसे ही अगर किसी भी इकोसिस्टम में नंबर ऑफ स्पीशीज कम होंगी एंड एक स्पीशीज निकालने से वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट वो बहुत जो है सिग्निफिकेंट फर्क पड़ सकता है। तो जैसे नंबर ऑफ स्पीशीज प्लांट्स में भी होती है, एनिमल्स में भी होती है, जैसे अलवाइन, टाइगर, एलिफेंट, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, ये एनिमल्स ह्यूमंस भी होते हैं इसमें, एंड देन प्लांट्स में जैसे हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स खाते हैं, क्रॉप्स है, ट्रीज है, तो
तो ये सारे जो होते हैं दे काउंट फॉर द स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो उसके बाद आपका आता है कि स्पीशीज जो है रिचनेस एंड स्पीशीज इवननेस। तो ये जो पहली पिक्चर है यहाँ पे जितने भी ये वाले पिक्चर है यहाँ पे जितने भी बर्ड्स है, दिस डिजिग्नेट्स एन एग्जाम्पल ऑफ स्पीशीज रिचनेस। उसमें कितने नंबर ऑफ स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं। देन सेकंड एग्जाम्पल इज स्पीशीज इवननेस, मीन्स कि एक स्पीशीज एक ऑर्गेनिज्म एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज से कितनी डिफरेंट है। दे दीज टू स्पीशीज आर लुक अलाइक, ये एक जैसे है ये भी एक जैसा है, मीन्स यहाँ पे स्पीशीज इवननेस ज़्यादा है, यहाँ पे स्पीशीज रिचनेस ज़्यादा है, मीन्स नंबर ऑफ स्पीशीज इन पर्टिकुलर एरिया ज़्यादा है, मीन्स वहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा है। अगर इवननेस ज़्यादा होगी देन डाइवर्सिटी इज लेस, जो मैंने कल की क्लास में भी बताया। तो उसके अलावा डाइवर्सिटी ड्यू टू टेक्सोनॉमिकली अनरिलेटेड स्पीशीज, टेक्सोनॉमिकली अनरिलेटेड स्पीशीज जिनका मॉर्फोलॉजी जो बनावट है बाहर की, एंड टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी मीन्स जो उसका क्लास होता है जैसे उसका स्पीशीज नेम ऑर्डर जीनस फाइलम, उसके बाद फैमिली एंड उसके बाद और भी जो है क्लास एंड देन किंगडम, किस किंगडम एनिमल किंगडम में तो सारे आते हैं, देन इट कैन गेट इज डिफरेंट जो जितना भी हम नीचे स्पेसिफिक जाएंगे। तो किसी भी लोकेशन पे अगर टेक्सोनॉमिकली डिफरेंट स्पीशीज एग्जिस्ट करती है दैट दैट आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द रिच स्पीशीज रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट एरिया। तो जैसे टेक्सोनॉमिकली डिफरेंट, जैसे अगर यहाँ पे एलिफेंट है यहाँ पे पैरट है यहाँ पे स्पाइडर है, तो दीज थ्री स्पीशीज आर टोटली डिफरेंट, आपस में इनका कोई भी रिलेशन नहीं है, ओनली वन रिलेशन दे बिलोंग टू द एनिमल किंगडम। ठीक है, देन लास्ट वन इज द कम्युनिटी डाइवर्सिटी, किसी भी कम्युनिटी एंड और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो ये किसी भी एनवायरनमेंट में जब भी हम देखते हैं कोई भी बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, देन उस इंट्रैक्शन से एक पूरे एरिया में किस टाइप की डाइवर्सिटी डेवलप होगी। तो जैसे मैंने कहा आपको कि ट्रॉपिकल काइंड ऑफ क्लाइमेट में ये जो ट्रॉपिकल काइंड ऑफ इकोसिस्टम्स या ट्रॉपिकल काइंड ऑफ कम्युनिटीज जो होंगी उसमें डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, बिकॉज उसमें वो इंट्रैक्शन वो फैक्टर्स जो है बहुत ही फेवरेबल होते हैं। उसमें बायोजियो केमिकल साइकिल्स फास्ट होंगे, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल फास्ट होगा, एंड देन वहाँ पे जो है अदर जो इंट्रैक्शन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड अदर जो ऑर्गेनिजम्स है बहुत ज़्यादा होगी। तो इसमें एक इमेजिनरी जो हम लेते हैं कोई भी कम्युनिटी, कम्युनिटी मीन्स जो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाइमेट में एग्जिस्ट करते हो, या बायोम भी होता है, बायो मीन्स कि रिलेटिंग वेजिटेशन और एनिमल फ्लोरा एंड फौना हु एग्जिस्टेड इन डेफिनेट काइंड ऑफ क्लाइमेट जो होते हैं जिसमें एग्जिस्ट करते हैं। तो एक इकोसिस्टम जैसे चाहे वो किसी भी लोकेशन पे, चाहे कश्मीर की बात करते हैं फॉर एग्जांपल या इंडिया की बात करते हैं, इसमें किस कितने टाइप के इकोसिस्टम्स प्रेजेंट है। चाहे फर्स्ट यहाँ पे ग्रासलैंड इकोसिस्टम भी है इंडिया में, यहाँ पे आपका डेजर्ट इकोसिस्टम भी है, माउंटेन इकोसिस्टम भी है, एक्वेटिक इकोसिस्टम भी है, फ्रेश या मैरीन, मींस दे हैव गुड कम्युनिटी डाइवर्सिटी गुड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो ये ज़रूरी नहीं है हम कंट्री लेवल पे देखें, आप किसी भी स्टेट को जाके देखते हैं फॉर एग्जांपल कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर को, तो इसमें माउंटेन इकोसिस्टम भी है, वैलीज ग्रासलैंड भी है, डेजर्ट जो हम लद्दाख जो है कोल्ड डेजर्ट जिसको बोलते हैं वो भी है, यहाँ पे फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। तो पूरा यहाँ पे जितने नंबर ऑफ ज़्यादा इकोसिस्टम्स होंगे उतना ज़्यादा डाइवर्सिटी होगा। तो अगर हम इसको इन तीनों जो डाइवर्सिटीज को एक ट्रायंगल में देखेंगे एक पैरामिड में देखेंगे, तो जीन्स जो होंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी इज़ वेरी हाई एज कम्पेयर टू स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे अगर हम इकोसिस्टम किसी भी लोकेशन में देखोगे तो मैक्सिमम कितने इकोसिस्टम्स होंगे, ग्रासलैंड जैसे रिवर इकोसिस्टम होगा,
फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होगा या डेजर्ट या एग्रीकल्चर इकोसिस्टम होगा, तो मीन्स कि उंगली पे गिन सकते हैं, 10-15 तो हो सकते हैं एक एरिया में. तो उन इकोसिस्टम्स में व्हाट विल बी द नंबर ऑफ स्पीशीज, डेफिनेटली दैट विल बी मोर देन द नंबर ऑफ इकोसिस्टम्स एट अ पर्टिकुलर लोकेशन. तो नंबर ऑफ स्पीशीज ज़्यादा होंगी एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ इकोसिस्टम्स. तो उन नंबर ऑफ स्पीशीज में जो जीन्स होंगी दैट विल बी डेफिनेटली मोर देन द नंबर ऑफ स्पीशीज इट्सेल्फ. कि एक स्पीशीज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो होते हैं वैराइटीज होती है, जैसे हम पैरट्स भी देखते हैं, पैरट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैराइटीज है, ह्यूमंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैराइटीज है, स्पाइडर्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैराइटीज है. तो ये जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैराइटीज मिलती है स्पीशीज की, डेफिनेटली दे गिव मोर नंबर ऑफ जीन्स एट अ पर्टिकुलर लोकेशन. तो एक पर्टिकुलर लोकेशन में, एक पर्टिकुलर जगह, नंबर ऑफ इकोसिस्टम्स इज जो होते हैं उसमें नंबर ऑफ जो है जीन्स, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी विल बी मोर. मीन्स कि ये एक अगर हम जेनेटिक लेवल पे देखेंगे दैट विल बी द मोर जेनेटिक लेवल पे डाइवर्सिटी मोर होती है एज कम्पेयर टू स्पीशीज एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. तो अगर हम अब एस्टिमेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज जो है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, उनमें नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी है, कितने एग्जिस्ट, जैसे वायरसेस है, अभी हमने 99.95 जो है स्टडी करनी है वायरसेस, अभी हमने कुछ ही मतलब 0.5% वायरसेस आज तक स्टडी की है. वैसे ही प्रोकैरियोटा जिसमें बैक्टीरिया, आर्किया, साइनोफाइटा यानी साइनोबैक्टीरिया वगैरह आते हैं, फंजे वगैरह. तो सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है, मीन्स जो सबसे ज़्यादा में ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज होती है, दैट इज इंसेक्ट्स, जिसको एंथ्रोपोडा भी बोलते हैं. तो इंसेक्ट्स में तकरीबन एस्टिमेट किया गया है 10 से 30 मिलियन स्पीशीज पाई जाती है इंसेक्ट्स में. मीन्स दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पीशीज इंसेक्ट्स की होती है, उसके बाद बैक्टीरिया की होती है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक्टीरिया की जो स्पीशीज है इसमें, उसके बाद फंजाई 1.5 मिलियन फंजाई पाए जाते हैं. देन सबसे कम है मैमल्स के यहाँ पे तो मेंशन नहीं किया गया है. तो सबसे कम जो स्पीशीज यहाँ पे है मैमल्स, बर्ड्स, फिशेस एंड मैमल्स की जो है स्पीशीज सबसे कम जो है पाई जाती है, बिकॉज उनके लिए जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो पैरामीटर्स है, हो सकता है इवॉल्व होने में, तब तक इवॉल्व होने में, यहाँ से इवॉल्व, अगर इवोल्यूशन हम देखेंगे यहीं से इवॉल्व होती है लाइफ, तो यहाँ से इवॉल्व होते होते हो सकता है बहुत सारी स्पीशीज यहाँ पे इन बिटवीन एक्सटिंक्ट होती है. तो कहने का यही गरज है, सबसे ज़्यादा स्पीशीज जो होती है इंसेक्ट्स में होती है, देन यू माइट बी आस्क्ड इन एग्जाम, एंड उसके बाद बैक्टीरिया की, देन फंजाई, देन माइट्स एंड प्रोटिस्टस. ये जो है स्पीशीज डाइवर्सिटी इन डिफरेंट जो होती है ग्रुप्स की होती है, टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स.